केंद्र की एनडीए सरकार में घमासान मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार चलाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। लोकसभा स्पीकर से लेकर मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। सहयोगी दलों की नजर बड़े मंत्रालय पर है, तो कैसे इस बार मुश्किल में दिख रहे हैं पीएम मोदी, जानने के लिए देखें खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के लिए इस बार सरकार चलाना आसान नहीं दिख रहा है। पहले दिन से उनके सामने संकट खड़ा हो गया है। दरअसल जी आपको बता दें, जीडी और टीडीपी की तरफ ऐसी दवा बिना शर्त समर्थन का किया जा रहा है, लेकिन के पीछे समर्थन की पूरी कीमत वसूली जा रही है। बड़े मंत्रालयों पर दोनों की नजरें टिकी हुई है। लगातार रेल मंत्रालय चाहता है तो टीडी वित्त मंत्रालय के साथ लोकसभा स्पीकर की कुर्सी भी मांग रही है। गृह मंत्रालय को लेकर तो बीजेपी के सहयोग ने यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी इसे अपने पास रखना चाहती है तो बीजेपी अपना गृह मंत्री बना ले, लेकिन अमित शाह की जगह इस मंत्रालय की कमान किसी दूसरे मंत्री को सौंपे, शाह को लेकर सहयोगी दलों में नाराजगी दिख रही है। वैसे सहयोगी तो यहां तक चाहते हैं कि अमित शाह को मंत्री ही नहीं बनाया जाए, लेकिन शाह मंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि आज नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं कर पाएंगे, सहयोगियों को मनाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में साफ है कि नरेंद्र मोदी दबाव में दिख रहे हैं, पहली बार संगठन गठबंधन की सरकार चलाने को मजबूर दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार कितने दिनों तक चल पाएगी। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।